अपने गुरु से मिलने गया, अपनी बात बताने गया कि सरकार ऐसी ऐसी बात है और अब मैं हिंदुस्तान पर कब्जा करने के कगार पर हूं और ये मेरे सिपाही वापस जा रहे हैं। उस गुरु ने उससे कहा कि देखो तुम एक राजा हो और ये सिपाही मुसलमान है। उसने कहा यार मैं भी मुसलमान हूं। बोले राजाओं का कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। राजाओं की कोई धर्म नहीं होती, राजाओं का कोई जात नहीं होता, और ये हिंट है, अब तुम इसे सॉल्व कर लो। बाबर ने कहा यार मैं वैसे ही परेशान हूं, तुम मुझे हिंट दे रहे हो। बोले हाँ हिंट ले लो और सॉल्व कर लो और इसी में तुम्हारी समस्या का समाधान। बाबर लौट कर आया, रात भर सोचता रहा वो कि यार मैं राजा और मेरी सेना मुसलमान। सुबह उसने अपने शराब के वो जार्स देखे, जो शराब के जार्स थे, उसने डंडा उठाया और सारे जारों को एक एक करके तोड़ना शुरू किया। सिपाहियों ने पूछा कि क्या हुआ सरकार? बोले आज से मैं सच्चा मुसलमान। किसी ने नहीं पूछा कल तक क्या थे। और फिर बाबर ने राजा के खिलाफ युद्ध को जिहाद घोषित किया। कोई जिहादवाद नहीं था, कोई जिहादवाद नहीं था। राणा की तरफ से कई मुस्लिम सरदार लड़ाई लड़ रहे थे, पूरा पॉलिटिकल वॉर था वो। हसन खां मेवाती राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था, महमूद लोधी राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था, कोई जिहादवाद नहीं था। लेकिन धर्म आम आदमी के लिए अफीम तो है ही है। तो बाबर ने धर्म का जबरदस्त उपयोग किया अपनी व्यक्तिगत पर्सनल एम्बिशन के लिए। अब आज जिस आदमी की कहानी से मैं मध्य